नमस्कार, मैं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आने वाले दिनों में भाजपा संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती आ सकती है और ये चुनौती भाजपा को नेताओं के मार्फत आ सकती है जो अभी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और ये दावेदारी इन सीटों पर सबसे ज़्यादा है जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक या तो विधायक हैं या फिर विधायक का उपचुनाव हार चुके हैं। सिंधिया के भाजपा में आने से इन विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा नेताओं में छटपटाहट है, इसलिए अब यह नेता करो या मरो की स्थिति में है, टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। बहुत से नेता खुलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत भी कर रहे हैं जो भाजपा की परिपाटी के खिलाफ है। इधर उपचुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थक भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में संगठन टिकट के दावेदारों का समायोजन किस तरह करेगा और इस खींचतान का क्या असर अगले चुनाव पर पड़ सकता है। ये जानेंगे, लेकिन देखें पहले ये रिपोर्ट। मध्यप्रदेश भाजपा में इस बार टिकट की दावेदारी खुलकर हो रही है। नेता चुनाव से 8 महीने पहले ही टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। इनमें विशेष तौर पर वे नेता शामिल हैं जो सिंधिया समर्थक विधायकों के क्षेत्र से हैं। सिंधिया के भाजपा में जाने के कारण 19 विधानसभा क्षेत्रों के इन नेताओं को पहले मौका नहीं मिला। अब ये नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ साथ जयभान सिंह पवैया भी दावेदारी ठोक रहे हैं। ग्वालियर ईस्ट पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल चुनाव हार चुके हैं। यहाँ अरुण मिश्रा ने खुद को दावेदार बताया। डबरा में इमरती देवी के साथ कप्तान सिंह भी चुनावी तैयारी में है। मुरैना में कंसाना ने जिन रुस्तम सिंह को हराया था उनके ही बेटे टिकट की कतार में है। दीमनी में सिंधिया समर्थक दंडोतिया को शिव मंगल से चुनौती है। बेगांव में ओपीएस भदौरिया के सामने राकेश शुक्ला और मुकेश चौधरी भी दावेदार है। बमोरी में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के अलावा महेंद्र सिंह किरार भी टिकट की लाइन में है। राज्य मंत्री विजय सिंह यादव के क्षेत्र में डॉक्टर पाल भी टिकट मांग रहे हैं। चची ने 2018 में जिन लड्डू राम कोरी को हराया था वे भी दावेदारी कर रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने खनिज विभाग के उपाध्यक्ष राजन सिंह मोखरपुर दावेदार है। ज्योति सिलावट के अलावा सोनकर भी दावेदारी कर रहे हैं। राजवर्धन सिंह दतिगांव के क्षेत्र से भानवर ने भी टिकट मांगा है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र से शेजवार के पुत्र मुदित फिर लड़ना चाहते हैं। उधर हरदीप सिंह डंग के क्षेत्र से राधेश्याम पाटीदार दावेदारी कर रहे हैं। इस बारे में बीजेपी नेता धैर्यवर्धन शर्मा का कहना है कि जो चुनाव जीता है उसे टिकट मांगने का हक है। पूर्व विधायक को हक है कि वो टिकट मांगे। वर्तमान जो दो दो बार से चुनाव जीते हुए हैं उनको भी अधिकार है कि फिर से एक बार टिकट मांगे। अन्य योग्य कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा रहती है कि उनको अवसर मिले, तो ये बहुत ही स्वाभाविक कदम है। और टिकट मांगने के लिए मैदान पर उपस्थिति दिखे यह सर्वोपरि है, इसलिए मुझे लग रहा है कि नेताओं की गतिविधियां निरंतर बढ़ जाती है। आइए सुनते हैं इस बारे में कांग्रेस का क्या कहना है। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके बीच पॉलिटिकल ग्लोबल समिट हुई थी कमलनाथ जी की सरकार को गिराने की, और उसमें जो एमओयू हुआ है वो उपचुनाव का था। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके मूल कार्यकर्ताओं का साथ देती है या दल बदलुओं का, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का। सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में जाने के कारण 19 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। इनमें से 13 विधानसभा क्षेत्रों में सिंधिया समर्थक चुनाव जीते थे, 6 जगह हार गए थे। अब इन विधानसभाओं में जहां सिंधिया समर्थक टिकट के दावेदार हैं, तो वही पुराने नेता भी ताल ठोक रहे हैं। देखना है कि भाजपा इन नेताओं को समायोजित करने का क्या रास्ता निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। चुनाव में हालांकि कहने को बहुत दिन बचे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 6 महीने का कोई वक्त नहीं होता है, और जो दावेदारी अभी से हैं और जिनको लेकर तलवारें खिंचती नजर आ रही है,
तलवारें इसलिए भी कि जो भी हम सुन रहे थे बीजेपी के धैर्यवर्धन शर्मा जरूर कह रहे थे कि सबको अधिकार है, तो जिनकी सीटों पर सिंधिया समर्थकों को टिकट मिले उपचुनाव में वो जीते हारे, तो एक दावेदारी उनकी भी और एक जो लगातार जहाँ से दो चुनाव तीन चुनाव चार चुनाव जीते और किसी कारण से पिछले चुनाव में हार गए तो वो दावेदारी उनकी भी बनती है। तो ये जो टकराव है ये कहाँ समाप्त होता दिखेगा आपको? यह लग रहा है कि एक बार का जो सियासी समीकरण जमाया था सिंधिया के समर्थकों के साथ उसको बारंबार निभाया जाए, ये भी कोई परिपाटी नहीं है या कोई मजबूरी भी नहीं है ना जरूरी है? मनोज जी, सीधी सीधी बात है इसमें कि जो सिंधिया समर्थक उस समय आए थे वो आज भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके हैं, और जब भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके हैं तब गुण दोष के आधार पर और पुराने समीकरणों को देख करके पार्टी चुनाव देने की स्थिति में रहेगी, एक बात। दूसरी बात यह कि यदि आज भी उनको सिंधिया का समर्थक मान करके टिकट दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी परंपरा होगी, और भाजपा का जो समायोजन जिसका एक पक्ष रहता है कि घी दूध और चीनी दूध में चीनी की तरह मिल गए हैं तो ये भी एक बड़ी बात होगी। एक अगली बात और आप ध्यान दीजिए कि सिंधिया जी जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं यानी भोपाल और आसपास जब आते हैं इंदौर, लेकिन दूध में चीनी मिल जरूर गई है लेकिन कई सारे नींबुओं भी आसपास ही हैं उसी दूध चीनी के, ठीक बात, फटने का खतरा भी है, ठीक बात है, ये होता है। अब दूसरा आप देखिए कि सिंधिया जी जब भी आते हैं तो संघ के कार्यालय में जाते हैं, इससे भी ये समझ में आता है कि सिंधिया जी काफी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का समायोजन किया जाए। इसके बावजूद भी जब सत्ता की टक्कर कड़ी और जनता के अंदर 20 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी हो, कार्यकर्ताओं में संतुष्टि नहीं हो, कार्यकर्ता नाराज जैसी स्थिति में हो, और उस स्थिति में यदि इतना मान करके कि भाई नहीं हमें संतुष्ट करना है दे दिया जाएगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जोखिम सिंधिया जी उठाने की कोशिश करेंगे और इतनी बड़ी जोखिम मुख्यमंत्री और भाजपा भी उठाने की कोशिश करेंगे। जिन विधायकों के बारे में, जिन मंत्रियों के बारे में आपको और मेरे को समझ में आ रहा है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, यदि उसको टिकट देने का जोखिम उठाएगा तो पिछली बार जैसी हालात बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, क्योंकि इस बार दो चीजों पर बड़ा फोकस होना चाहिए। पहला, आप टिकट वितरण के अंदर केवल और केवल जीतने वाले व्यक्ति के लिए आप जो है जोर कर लगाएं आप, और मुझे ये लगता है, आपको भी लगता है, ब्रजेश जी को भी ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी संगठन ने और बाकी लोगों ने जो सर्वे कराया है, इंटरनल सर्वे जिसको हम कह सकते हैं, संघ की तरफ से रिपोर्ट आई होगी वो भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद जो है संगठन मंत्री जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट आई उसको भी हम जोड़ सकते हैं, और प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से जो सर्वे कराया है वो भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। इस पर जो बार बार गलबहियां दिख रही हैं सिंधिया जी की और शिवराज जी की, मुझे लगता है कहीं कहीं इसी का एक संदेश है, और वो संदेश ये है कि भाई आपके जीतने वाले लोग आप दूसरी जगह कहीं से ले लीजिए ना, जब भाजपा कमजोर है वहाँ एक सीट आप अपने कैंडिडेट की लड़वा दीजिए, यदि ऐसा ही देखना है कि मेरे समर्थक 5-10 जीत के आए, बिल्कुल, तो यदि यदि ऐसे ही हर नेता ने सोचना चालू कर दिया कि मैं अपने 5 लूंगा 10 लूंगा तो ये बंदरबांट जो है वो कम से कम भाजपा में नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि सिंधिया जी अपने जीत जो कांग्रेस करती है उसका नतीजा हम देख रहे हैं, उसका खामियाजा भी कांग्रेस भुगतती है, भी हम देख रहे हैं। मनोज जी, एक चीज मैं और कह दूं जी, आप ये आप जिन नेताओं के, जैसे मान लो आपने गोविंद सिंह का उल्लेख किया, गोविंद राजपूत जी का, तो मुझे लगता है गोविंद राजपूत एक ऐसा नेता है जिसको भाजपा भी ये सोचेगी कि इसको टिकट देने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, मैन सिंह सिसोदिया है, कौन सोचेगा कि इनकी टिकट बदल दी जाए, लेकिन प्रद्युम्न तोमर जी के बारे में ये विचार किया जा सकता है कि सीट को बदल दिया जाए। जहां तक और ओपीएस भदौरिया की बात आ सकती है और वो पोहरी वाले कौन से मित्र हैं उनकी बात आ सकती है, तो ये जो है कुछ स्थान ऐसे हैं जो गच्चा दे सकते हैं, तो वहां मुझे लगता है कि सारा नेतृत्व विचार करेगा, और इस बात का मुझे नहीं लगता कि 2023 के विधानसभा चुनाव में समर्थकों को टिकट देने का यदि जोखिम उठाया गया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार खिसक सकती है। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी, चूंकि अब ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब तेंदुओं को बसाया जाया तो पहले तेंदुओं को बाहर किए गए, माफ कीजिए, सबसे पहले, और अब हम देख रहे हैं कि शेर का पुनर्वास की तैयारी भी कर रही है माधव नेशनल पार्क में, तो बसाहट के पहले हमने देखा है कि चीतों को क्वारंटाइन करके रखा गया कि सुरक्षित स्थान उनको भी दिया गया लेकिन खुले में उनको भी नहीं छोड़ा गया है, तो ये सारे समीकरण राजनीति में ग्वालियर चंबल में भी होते नजर आ रहे हैं कि ठीक है आपने तेंदुओं को बाहर कर दिया कि खतरा था लेकिन खुला मैदान अभी बाकी नेताओं के लिए भी नहीं है, वो भी अभी क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन ही है एक तरह से।
सकते हैं हम, खुला मैदान तो किसी को बीजेपी तो नहीं छोड़ती। रही बात कि ग्वालियर चंबल में जो शर्मा जी भी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ, इतना तो हो नहीं सकता बीजेपी में। बीजेपी में ऐसा कोई छत्रवाद नहीं चलने वाला है कि आपके समर्थक हैं चाहे वो हारे या जीते, या आप उनकी गारंटी ले लो मैं जिता दूंगा, मुझे मेरे कहने पर टिकट देंगे, बीजेपी में नहीं। कांग्रेस ताजा देखा है महापौर का मामला ग्वालियर और मुरैना में, 57 साल बाद ग्वालियर हार गए। कांग्रेस में देखी लेकिन कांग्रेस से भी खत्म हो गई है, और इस चुनाव में जो बची खिची थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। रही बात कि खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस के खत्म होने का डर है, बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो जीतने वाले हैं, या जो के मिश्रा जी कह रहे थे कि जो एमओयू हुआ है तो वो हो गया, उसमें भी हम देखते हैं कि यदि उद्योगपति नहीं लगाते हैं, अपनी जमीन मजबूत नहीं करते हैं, उनको जमीन दे दी जाती है तो वो सरकार वापस ले लेती है। मनोज जी, किसी आपने उद्योग नहीं लगाया तय समय पर, तो यदि हम उससे भी बात करें तो बार बार सरकार अपने सर्वे के आधार पर, संगठन अपने सर्वे के आधार पर, संघ अपने सर्वे के आधार पर हिदायत देता है कि आपकी खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार अपने समर्थक जो मंत्री हैं विधायक हैं उनसे कह चुके हैं कि भाई आप यहाँ पे कमजोर हो, सुधार लीजिए, आपकी हालत खराब है आपके क्षेत्र में, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए। तो बार बार ताकत कर रहे हैं, बार बार आपको सतर्क कर रहे हैं कि जाइए, जो आप में खामियां हैं उनको दूर कर लीजिए, अगले सर्वे में आप बेहतर आएंगे, जो भी उम्मीदवार वहाँ पे होंगे उनसे बेहतर आएंगे, निश्चित तौर पर आपको पार्टी टिकट देगी। इस आधार पर नहीं मिलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, आप आए हैं और आपने उनकी सरकार बनाई है, तो आप इस वजह से आप आगे भी लाभ पाते रहे, जो लाभ आपको मिलना था निश्चित तौर पर मिल चुका है, बिल्कुल। अब आपको अपनी जमीन मजबूत करना पड़ेगी, और जमीन मजबूत करने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो जिनकी मेहनत है निश्चित तौर पर, चाहे दत्ती गांव हो, चाहे हम गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, चाहे तुलसी सिलावट की बात करें, जो मजबूत हैं, जो हमको भी दिख रहे हैं, जो पार्टी को भी दिख रहे हैं, जो संगठन को भी दिख रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में काम है, उनका टिकट कौन काटेगा मनोज जी? और एक टिकट मांगने की दावेदारी करने की तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि सिंधिया जी के समर्थक आ गए हैं इसलिए बीजेपी के कुछ नेता दावेदारी कर रहे हैं। पहले भी वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग दावेदारी करते थे। यदि ये लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, वही अपने काम की दम पर मांग रहे हैं, और यदि सर्वे 3-4 स्तर पर हो रहा है, चाहे वो हाईकमान के स्तर पर हो, दिल्ली के स्तर पर हो, चाहे संघ के स्तर पर हो, तो आप उसमें किसी तरह का वो नहीं कर सकते कि आप मिलावट कर दो या फर्जी सर्वे करा लो, एक दूसरे से तुलना होगी ना। आप अपना खुद का सर्वे करा लीजिए। आप यदि सिंधिया जी भी एक सर्वे करा लें, मान के चलिए आप वो भी कहें कि साहब नहीं इसकी मजबूती है, तो 3 सर्वे 4 के जब तुलना होगी या उनमें से देखा जाएगा तो पलरा तो वहीं भारी होगा ना जिसका सर्वे बेहतर। सिंधिया जी तो खुद ही गुना छोड़ के अब ग्वालियर में अपनी सियासी जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सिंधिया जी भी वैसी जो वहाँ पे अड़ जाते थे जिस तरह से हम देखते थे कांग्रेस में, वैसी अड़ने की यहाँ परंपरा तो है नहीं। निश्चित तौर पर हमने देखा है कि चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे हमने देखा हो कि नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे अन्य नेता हों, अड़ते हैं निश्चित तौर पर हमारे समर्थकों के लिए, चाहे बी डी शर्मा हों, चाहे शिवराज जी हों, ये अड़ते थे, कुछ हद तक सफल भी हो जाते थे, लेकिन 100% ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि बी डी शर्मा के कहने पर सबको दे दिए, शिवराज जी कहने पर सबको दे दिए, ऐसा होता नहीं है। ये हमने 2018 में जो देखा है कि कुछ हद तक हो गया कि आपको फ्री हैंड दे दिया, आप पर इतना कॉन्फिडेंस था कि सरकार आ जाएगी, लेकिन वो आपके गलत निर्णय थे ना, आपने ऐसे लोगों पर दाव खेला तो आपको 15 माह सत्ता से बाहर रहना पड़ा। तो वैसी गलती जो एक बार करते हैं कम से कम बीजेपी में तो दोहराई नहीं जा सकती है, और मुझे नहीं लगता है कि आला कमान केंद्रीय नेतृत्व तो इतनी खुली छूट दे देगा कि आप जिसको चाहो टिकट दे दीजिए, सिंधिया जी जिसको कहें उसको दे दीजिए। सारे तथ्यों को देखा जाएगा, सारे सर्वों को देखा जाएगा। अब जो सर्वे जिस परिपाटी पर बीजेपी पहले से चलती रही, वो तो मंडल स्तर से नीचे से सर्वे कराती, संगठन स्तर पर होता है और संघ स्तर पर सर्वे होता है। पिछली बार भी संघ ने कहा था कि कुछ सीटें बदल दीजिए, आपने नहीं किया, कुछ चेहरे बदल दीजिए, आपने नहीं किया, तो आपको परिणाम भुगतना पड़े। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ऐसा हो सकता है? निश्चित तौर पर, चाहे वो सिंधिया जी के लोग हों, चाहे बीजेपी के कद्दावर नेता हों, उनको भी बीजेपी घर पे बिठा देगी यदि वो हारने वाले हैं, उनसे बेहतर वहाँ उम्मीदवार है तो। बिल्कुल, कुछ लोगों के जो बड़े चेहरे हैं यदि उनको भी जरूरत पड़ी तो, यदि वो पिछली बार उन्होंने कहा था कि आप अपने क्षेत्र बदल लीजिए, नहीं बदले, उन्हीं क्षेत्र से दे दिया, इस बार वैसा भी नहीं होगा। बड़े नामधारी भी यदि उनका क्षेत्र में कमजोर होंगे तो निश्चित तौर पर यदि वो दूसरे क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा मनोज। बिल्कुल, तो ये परिस्थिति अशोक शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाप रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी, क्योंकि दोनों की सक्रियता लगातार ग्वालियर चंबल बढ़ गई, और सिंधिया जिस प्रकार अपने ध्रुव विरोधी जय सिंह पवैया से लगातार मेल मुलाकात करते हैं, जनता के साथ संवाद कायम कर रहे हैं, तो अपने साथ साथ अपने समर्थकों को भी एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग कमजोर हैं या जिनको लगता है कि वो अभी भी सिंधिया समर्थक है लेकिन भाजपा समर्थकों के साथ उनकी दूरी बनी हुई है, तो वो भी अपने क्षेत्र में जो दिग्गज नेता है उनसे मेल मिलाप का प्रयास करें, कार्यकर्ताओं को अपने पालने का प्रयास करें, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि सारे गुटे एक साथ आपको जिता देंगे। हो सकता है जिनको टिकट ना मिले पुराने जो भाजपा ही हैं वो कुछ ना कुछ संकट बढ़ा सकते हैं, तो उनको भी एक मानवलोभन का दौर इसी प्रकार देखा जा रहा है। ब्रजेश जी ने कहा है कि महापौर का, आपने भी तो समय सीमा बताई कितने वर्षों बाद महापौर जो है
आप ये देखिए कि महापौर के मामले में आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत क्यों हुई, ये समझने वाला खेल है और इसमें सारी बातें समाहित हैं। और केवल ये है कि जो सिकरवार जी हैं विधायक, सतीश सिकरवार जी जो हैं वो संघ के बहुत प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक हैं और उनके उनकी यदि धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है तो ग्वालियर की जो सीट है वो राजमाता जी के बाद से संघ की सीट है, क्योंकि जो परिवार वहाँ महापौर बने, इंदापुरकर जी बने हों, चाहे बाकी के लोग जो बने हों, ये सारे के सारे लोग संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। विवेक सेजवलकर रहे या उनके पिताजी, उनके पिताजी नारायण कृष्ण सेजवलकर जी हैं, विवेक सेजवलकर जी हैं। मैं ज्यादा नाम में जाना नहीं चाहता जी, मुझे भी क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे संपर्क, मैं तो केवल दर्शकों के लिए। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो ये संघ के लोग थे यही महापौर बनते थे। अब समीक्षा गुप्ता पिछली बार भी महापौर बनी थी, बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनका पंगा हो गया, सिंधिया के साथ उनका सेटिंग नहीं है। और नरेंद्र सिंह जी जो सेटिंग थी यानी राजनीतिक सेटिंग थी वो जो है पिछली बार बिगड़ गई, क्योंकि उनकी जेठानी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी खुशबू गुप्ता। ये इसके कारण सबको ये मालूम था कि संघ जो है वो जाकर के कांग्रेस के पक्ष में चला गया, यानी कि सतीश सिकरवार परिवार यानी गजराज सिंह सिकरवार परिवार के साथ चला गया, क्योंकि वो समाजवादी थे। गजराज सिंह सिकरवार जी विधायक रहे और वो जो है गोविंद सिंह के साथ थे, अनुपिता गोविंद सिंह, गजराज सिंह सिकरवार ये उस पीढ़ी के लोग हैं। तो इन्होंने भाजपा के साथ जुड़ करके भाजपा में हो गए थे गजराज सिंह सिकरवार जी, और उनका एक बेटा एमएलए रहा, दूसरा बेटा जो ये नहीं रह पाया, नीतू सिकरवार पिछली बार भाई के लिए टिकट छोड़ दिया था। ये आप समीकरण देखिए कि वहां संघ जीतता है, इसलिए ये विचार हो रहा है कि भाई संघ की तरफ से जयभान सिंह पवैया को हम नकार नहीं सकते, और पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो सिंधिया वर्सेज और था, अन्य था, बिल्कुल। आप सिंधिया प्लस यदि हो रहे हैं तो आपको अधिक होना चाहिए था, लेकिन वहां खेचातानी क्यों हो रही है, पूरा पूरा मुरैना हार गए आप। नरेंद्र सिंह जी कभी मुरैना से लड़ते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, ग्वालियर से लड़ते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आप राजनीति में आरारोट पी करके नहीं रह सकते। नरेंद्र सिंह जी बहुत विनम्र हैं, नरेंद्र सिंह जी संगठन के बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक ऐसा मैसेज नहीं दे पाते। उनके साथ एक माइनस पॉइंट जो मैं उनका मैंने देखा है, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके सारे काम में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो ये कहते नहीं कि तेरा काम कर रहा हूँ, काम हो जाता है। जब आजकल राजनीति में एक जो राकेश सिंह के संग दिक्कत थी कि कोई भी ये मेरा विषय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक आप एक चीज देखिए कि संघ में एक चीज चलती थी पहले कि आप कानों कान खबर मत लगने दीजिए, पता नहीं चलने दीजिए कि आप किसी का काम कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। सेवा करी दी तो कहा कह ही दिया, पर पुण्य कहां से मिलेगा। लेकिन राजनीति में इसके विपरीत है, पहले होता था कि आप करो और भूल जाओ चलो, फिर ये हुआ कि करो और कहो, और अब ये हो गया है कि कहते रहो कहते रहो कहते रहो, करो धरो कुछ नहीं। जो कुल मिलाकर कि ये कि कहते रहो, केजरीवाल मॉडल नहीं, केजरीवाल अब मुझे रोकना पड़ रहा है अपने आप को, तो वो जो है वो जो मॉडल है वो सबको मालूम है। तो इसलिए जो है शोर बहुत हो रहा है आज की राजनीति में, और इसका कारण नरेंद्र सिंह जी की यही बड़ी कमी है कि वो शोर नहीं करते, काम बहुत करते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा कृषि आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर के था, आप वो आंदोलन में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोई गलती नहीं निकली, मैंने मेरे आलेखों में लिखा है। तो कुल मिलाकर के ये कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो एक विशिष्ट क्षेत्र है, वहाँ भाजपा बहुत ताकतवर है, लेकिन सिंधिया का भी अपना एक वो है। लेकिन पिछला चुनाव जो है 2018 का विधानसभा चुनाव जो है वो टिकट वितरण का पैमाना नहीं हो सकता। जब आप 2018 को टिकट वितरण का पैमाना मानेंगे तो तीन तीन चार चार बार के विधायक जो है आपके तो हार गए थे। यही सबसे बड़ी बात मनोज जी है, जिस दिन ये बात पॉलिटिकल समीक्षकों की समझ में आएगी कि ग्वालियर चंबल 2018 के आधार पर टिकट वितरण का आधार नहीं बन सकता, यही बात सिंधिया समर्थक यदि समझ जाएंगे, क्योंकि जिन सीटों पर पांच पांच बार से भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा है और आप जो है एक बार उसको हरा करके आएंगे तो उस पांच बार वाले के सामने दावेदार थोड़े ना हो जाएंगे। वो तो एक परिस्थिति थी सिंधिया। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस ने, सिंधिया के साथ धोखा किया गया,
कमलनाथ जी जो है यानी कि युवा दूल्हा दिखा करके बूढ़ा मतलब पति दे दिया, तो ये स्थिति बनी है वहां। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता ना, सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं वो मजबूत हो जमीन पर, इस आधार पर उनको खारिज कर दिया जाए कि भैया सिंधिया के साथ आए। नहीं नहीं, मैंने तो पहले भी आपके सामने दो नाम तो ले ही दिए थे ना, ऐसे कई नाम है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो दीपक जोशी जी वाली सीट है उसके ऊपर मनोज जी चुनाव जीते हैं तो क्या आप ये सोचेंगे कि उनको दोबारा टिकट मिलेगी? आप कल्पना कर सकते हैं, जो कैलाश जोशी जी की सीट है उनका बेटा एक परिस्थिति जन्य कारण से हार गया, तो इसका मतलब ये नहीं है, कैलाश जोशी का जो पुण्याई थी दीपक जोशी भी उसी पुण्याई पर चल रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। लेकिन वो भी जमीन से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे कांग्रेसी राग लग गया उनको भी कि रोज सोशल मीडिया पे वो एक पोस्ट करते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भी बगल की सीट खातेगांव पे उनकी नजर थी, लेकिन ये बात हो रही उनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे जी वो दीपक जोशी जमीन का व्यक्ति है, गांव-गांव गली-गली में उस व्यक्ति को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सबकी मदद करता है, परंतु आज के लिए जिंदा दिखना, 5 साल तक में लोग गायब हो जाते हैं यदि सोशल मीडिया पर नहीं आओ। बिल्कुल ब्रजेश जी, राजनीति में तो 24 घंटे बहुत होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि 2018 का टिकट वितरण आधार नहीं हो सकता, तो 2020 का भी आधार नहीं हो सकता है उपचुनाव के नतीजे देखे जाएं तो, फिर बीच का रास्ता क्या? बीच का रास्ता भाई, सर्वे अपनी जगह, संघ की पसंद अपनी जगह है, सिंधिया समर्थक अपनी जगह है। और संगठन की अपनी पसंद होगी, सरकार अपने नजरिए से सोचेगी। बीच का रास्ता एक ही होता है, जब दो दावेदार होते हैं, प्रबल दावेदार होते हैं, और दोनों में एक को आपको टिकट देना है, तो आप एक को दे सकते हो, दूसरे को दे नहीं सकते, वो भी मजबूत उम्मीदवार होता है क्षेत्र से, तो हम देखते हैं उसमें बीच का रास्ता निकाला जाता है कि सरकार बनेगी तो आपको किसी भी निगम मंडल में कहीं भी आपको वो कर देगा, क्योंकि आपसे जो मजबूत है हम उसको टिकट दे रहे हैं। आप थोड़े कमजोर हो लेकिन आप ताकतवर हो, यदि सक्रिय नहीं रहोगे, भीतरघात करोगे, बगावत करोगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा, तब ये हथकंडे अपना जाते हैं। ये काम होता है संगठन का और सरकार का कि सरकार बनेगी तो आपको समायोजित किया जाएगा, आपको भी वही सम्मान मिलेगा। और ये हमने देखा भी है, जब 2018 के बाद जो शिवराज जी के सरकार बनाने में जिन लोगों ने मदद की थी, जो चुनाव हार गए हैं, उनको आपने दिया, आपने उनको निगम मंडलों में दिया, लेकिन साथ साथ आपने उस क्षेत्र के लोगों को जो आपके कद्दावर नेता थे, जो मजबूत नेता थे, उनको भी आपने सम्मान देने का काम किया, चाहे वो संगठन में दिया हो, चाहे सरकार के अन्य मंडलों में दिया हो। तो ये जो समायोजन होता है मनोज जी, जो समन्वय बनाने का काम होता है, मुझे लगता है बीच का रास्ता यही है। यदि सिंधिया के समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि आप शांति रखिए, जो उम्मीदवार है उसको जितवाने का काम कीजिए, सरकार बनते ही आपका सम्मान बरकरार रखा जाएगा। ये वादा करती है सरकारें और जो भी सत्ताधारी दल हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी करेगी, ऐसा वादा कांग्रेस से भी होता है। अब आपकी किस्मत है, सरकार बन गई आपको तो आपको मिल जाएगा, यदि आप विपक्ष में रहे तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है यही एक बीच का रास्ता है कि आपको टिकट भले ही ना मिल रहा हो लेकिन हम आपको मंत्री का दर्जा दे देंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे। जी शर्मा जी, मैं बीच में ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति की सबसे बड़ी विकृति आ गई ब्रजेश जी, कि जो व्यक्ति चुनाव हार रहा है, चुनाव तक वाले को समायोजित करने की बात हो रही है। आज आप मध्य प्रदेश सरकार के इस मॉडल को देख लीजिए, निगम मंडल में कौन बैठे हैं? चुनाव हार गए लोग। निगम मंडल में कौन लोग बैठे हैं? जो चुनाव के लिए दावेदार थे वो लोग। तो ये जो परिस्थिति, या वो लोग बैठे हैं निगम मंडलों में जो मेरे निकटतम हैं, मैं जिनको पसंद करता हूँ, मेरा व्यक्ति पसंद करता है, ऐसे लोगों को बैठाने से संगठन का की सरकार नहीं बनती, पसंद की सरकार बनती है, विकल्प की सरकार बनती है, का जो है सरकार दिखती है। संगठन की ये है कि यदि मनोज वर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं और इनका कोई राजनीतिक माई बाप नहीं है, तब आप जो है कुशाभाऊ ठाकरे पद्धति में उनको लाइए और उनको आगे बढ़ाइए। ये एक्चुअल में संगठन है जो नदारत हो गया है, और भाजपा पिछले 15 साल में इस अपने टेम्परामेंट को खो चुकी है। आप देख लीजिए, जो कांग्रेस के सर्वाधिक प्रिय हुआ करते थे उन्हें सरकारों ने जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन जो भाजपा के लिए जूते खा करके काम कराने वाले लोग थे वो जो है उनको कोई मिलने का समय भी नहीं देता। ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को कार्यकर्ता भी जानता। आप मनोज जी सोशल मीडिया की बात कह रहे थे, आप सोशल मीडिया पर सुबेरे से शाम तक एक पोस्ट ऐसी पढ़ेंगे जो आंख खोल करके कहती है, आंख खोल लो, आप जो है हिसाब मांगते रह जाएंगे, तो फिर ये सब चीजें आ जाती हैं, क्लियर आती हैं। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि वो लोग ये लिख रहे हैं जो कि सत्ता में पहले थे तब वो कुछ करते नहीं थे, और जब वो बाहर हो गए हैं तो वो फिर ये सारी चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें लिखते हुए अगर रहते हुए सत्ता में कुछ लिखते तो शायद कुछ ज्यादा भला होता। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बीजेपी संगठन के सामने है कि टिकट आखिर किसे दें। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, कई सारे आपके वादे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार की वादों के आधार पर या पसंद के आधार पर टिकट दिया जाए। सर्वे एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सबसे मेन चीज़ होती है सत्ता। अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो फिर आप चाहे कितने ही वादे कर लीजिए, कितने ही दावे कर लीजिए, सब बेमानी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।